हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज की वीडियो में मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था कि देहरादून की नर्सरी को उसे आप ज़रूर देखिए। वाकई जिस तरीके से वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, तो प्लांट्स पर भी मैंने दिखाया कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट्स था। और मैं वहाँ पर गई थी, मैंने वीडियो आपके साथ नर्सरी का शेयर किया था। एक्चुअल में मैं जहाँ रुकी हुई थी, मतलब जहाँ पर वहीं पर सामने ही वो नर्सरी थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जिनको प्लांट्स का शौक़ है ना, मैं ऐसे विज़िट करने ही गई थी। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं कुछ प्लांट्स परचेस करूँगी। हाँ, शुरू से मुझे ये ज़रूर था कि मुझे देहरादून की लीची जो है ज़रूर ख़रीदनी है, कि वहाँ की लीची का मेरा बड़ा मन था, कि बड़ी फेमस होती है देहरादून की लीची, तो वो मेरा बड़ा मन था कि मैं जब भी जाऊँगी तो लीची लेकर आऊँगी। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, हमें पता ही नहीं होता है कि नर्सरी कहाँ होती है या कहाँ नहीं होती है। बट एक्चुअल में हमने गूगल पर सर्च भी किया और बिल्कुल सामने ही थी, तो हम लोग वहाँ गए और मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग भी की। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने जो भी शॉपिंग की है वो हमारे साथ शेयर किया। मेरा बड़ा मन था कि वहाँ पर सीजनल प्लांट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, तो मैं उनकी जो शॉपिंग का, तो मैं चलिए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स मैंने खरीदे हैं, वो आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर थे। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर ना मुझे सीजनल प्लांट्स बहुत पसंद है। अब मुझे जनरली ख़रीदने भी हैं क्योंकि इस समय मैं लगाती भी हूँ उनको। दिल्ली में देखिए, दिल्ली का अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस का, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर जो सीजनल प्लांट्स है ना, वो रेट पे काफ़ी कम थे। हालाँकि मैं ज़्यादा नहीं परचेस कर पाई क्योंकि देखिए लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस बार मैं, हम लोग जैसे कार से ट्रेवल करके गए थे, तो कुछ प्लांट इसीलिए मैंने खरीदे। देखिए, ट्रेन वगैरह से तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, और प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, हेल्दी भी थे। सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं, देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम कहाँ से पौधे खरीदें, कहाँ से क्या करें, तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, पौधे मुझे, यानी कि आप बिल्कुल देखकर अगर आप पौधे लेते हो, सबसे बेटर होता है। तो जैसे कि मैं जय हिंद नर्सरी, मेरे अक्सर बहुत सारे मेरे पास प्लांट जो वहीं के हैं, क्योंकि वहाँ मैं अक्सर जाती हूँ और वो मुझे सजेस्ट भी कर देते हैं कि नहीं, ये प्लांट्स गमले में लगेगा या नहीं लगेगा, ये वैरायटी बेस्ट है। और वहाँ पर 100 पौधे रखे होते हैं, उनमें से आप एक सेलेक्ट करके ले, आपको लग रहा है ये पौधा अच्छा नहीं है, आप ग्राफ्टिंग चेक कर सकते हैं उसकी, आप देख सकते हैं कि प्लांट की हेल्थ अच्छी है या नहीं, वो सारी चीज़ें। और फिर उसमें एक चीज़ और होती है कि आपका प्लांट थोड़ा सा बंद होके आता है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं भी ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर समय वहाँ पे जाना या इस तरीके की चीज़ें। तो मैंने कुछ पौधे आप खरीदे हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है लेमन का प्लांट, मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअल में जब मैं वहाँ गई थी ना, तो वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था लेमन। अभी देख, आपने देखा है मेरे पास कुंभकाट लगाया है मैंने, अभी सीडलेस है मेरे पास, और कागजी नींबू है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी लेमन का प्लांट खरीदने की। बट जब मैं वहाँ नर्सरी विज़िट किया ना मैंने, तो वहाँ पर जब मैंने लेमन लगा हुआ देखा, ऐसा नहीं है कि फ्रूटिंग तो हर जगह मिलती, बट मैंने देखा कि छोटा सा नींबू है ना, ये भी बहुत सॉफ्ट था, और इसकी मुझे वैरायटी बहुत अच्छी लगी। पाकिस्तानी लेमन है जो, वाकई देखिए, जैसे कि अभी मैं सच बताऊं आपको, इसमें ना 6 नींबू लगे हुए थे। हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे तो 3 नींबू हम लोगों ने खा लिए वहीं पर। हम लोगों ने वहाँ पर इसको, हम जब रुके हुए थे तो हमारे ये नींबू काम आ गए। और मैं प्लांट की हाइट की बात करूँ, तो प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए, मैंने ना इसको थोड़ा सा ऊपर से लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया था। और आप रूट बाउंड देखिए इसका, इस तरीके का रूट बाउंड होना तो प्लांट्स काफ़ी अच्छे चलते हैं। देखिए ये देखिए, और अभी भी नींबू, देखिए 3 नींबू अभी भी लगे हुए हैं। मेन चीज़ है रूट बाउंड अच्छा, और इसकी मिट्टी है ना, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, एज इट इज़ इसको लगाना है सिर्फ, ये देखिए। और इसको ज़्यादा दिन भी मुझे रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन हो गए हैं, तो आज शाम तक या मैं इसको, मे बी इसको लगा दूँगी, मिट्टी मेरी प्रिपेयर ही है। तो ये मैंने एक पाकिस्तानी लेमन है ये ख़रीदा है, ये 200 के आसपास ये पौधा है। और देखिए, जब भी आप जाए ना, बार्गनिंग ज़रूर करें, मैं तो करती हूँ इसीलिए। तो ये लेमन मुझे बहुत पसंद आया। वहाँ पर केशव मौर्य करके, जब सहस्त्रधारा की तरफ जाते हैं वहाँ पर ये नर्सरी है, तो देखिए वहाँ पर मैं सहस्त्रधारा की तरफ घूमने गई थी, तो मुझे यहाँ पर नर्सरी, तो मुझे अच्छा लगा, तो ये एक प्लांट मैंने जो है परचेस किया है। इस तरीके से देखिए, जब हम प्लांट खरीदते हैं ना, तो मैंने रूट बाउंड को चेक किया, ये इसकी ग्राफ्टिंग को चेक किया, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से इस पर फ्रूट लगे हुए थे। तो ये पर्सनली पौधा मुझे जो है बहुत पसंद आया। हालाँकि नींबू के मेरे पास बहुत पौधे थे, बट मैंने इसको ख़रीदा, काफ़ी अच्छा पौधा है, आप ज़रूर खरीदिए। ये वैरायटी वाकई मुझे बहुत पसंद आई। तो ये पाकिस्तानी लेमन है, इसे आप ज़रूर अपने गमले में लगाइए, गमले में भी काफ़ी जो है बेस्ट ये रिजल्ट देगी। और फ्रेंड्स, सेकंड प्लांट लीची। जब भी मेरा मन था ना, मैं देहरादून पहले भी गई थी, तो मुझे तब भी था कि उस समय ना, मुझे एक्चुअली में नर्सरी नहीं पता था, जहाँ पर मैं रुकी हुई थी वहाँ पर आसपास कोई नर्सरी भी नहीं थी, तो नर्सरी का मुझे मालूम नहीं था।
और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि थोड़े से मेरे थोड़े हेल्थ इशू थे, तो मैं कहीं गई भी नहीं थी उस समय जब मैं गई थी। तो मेरा बड़ा मन था कि जब भी मैं देहरादून जाऊँगी तो मैं लीची का प्लांट ज़रूर लेकर आऊँगी। वहाँ की मैंने लीची खाई है, तो ये देखिए लीची है। इसको उन्होंने मुझे बताया कि कलकत्ती लीची बोलते हैं इसको। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कलकत्ता की लीची, पर उन्होंने इसका नाम मुझे कलकत्ती लीची बताया और बोला कि इसमें यहाँ पर इसमें जो है फ्रूट्स भी इसके अंदर जो है लग चुके हैं। तो ये प्लांट्स, तो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये भी लग रही, मिट्टी बहुत सही है इनकी। ये देखिए जो इनकी मिट्टी है ना, बिल्कुल सैंडी है, इसे चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ पौधा लगाना है। वरना देखिए रूट मिट्टी को हटाना, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी आती है तो उसको भी हटाना होता है। तो देखिए इस तरीके से ये प्लांट है, और लीची का प्लांट भी आपको वहाँ पर 200 के आसपास जो है मिल जाएगा। तो ये मैंने एक पौधा ख़रीदा, वाकई अमेजिंग सा। मुझे था बहुत टाइम से मुझे था कि लीची का, हालांकि मैंने इस बार, आपने देखा कि मैंने लीची का प्लांट का, मेरा बड़ा मन था तो मैंने चाइना 3 लीची भी मंगाया, बट एक ये और लीची का प्लांट है, ये कलकत्ती लीची। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिल्ली के एनवायरनमेंट में इसमें कितना फ्रूटिंग होती है। और मुझे पौधे अच्छा लगा, एक तो सबसे अच्छी चीज़ लगी वहाँ की ग्रीनरी, वाकई वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पॉल्यूशन नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट प्लांट पर भी था, तो ये सब चीज़ें बहुत वाकई एक अमेजिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए जब भी पौधे अगर हम ख़रीदते हैं ना, तो अगर आपके आसपास नर्सरी है तो वहाँ से आप पौधे ज़रूर खरीदिए, क्योंकि जब हम खुद से पौधे पर्सनली लेते हैं ना तो वो ज़्यादा। अभी आप लोग मुझसे, कई लोग कमेंट करते हैं मैडम कैसे ले, मैं हमेशा कहती हूँ आपके आसपास नर्सरी है तो आप वहाँ से पौधे ले। मेरा जब भी अगर भिवाड़ी राजस्थान में जाना होता है ना, तो मैं पौधे वहीं से ही लेकर आती हूँ फिर। लेकिन यही होता है कि हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम वहाँ से पौधे लेकर आए, तब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर ना सीजनल प्लांट्स काफ़ी थे इस तरीके के, और ये जो है ना गुलदाउदी जो होती है, मिनीचर वाली होती है वो है, यानी कि बहुत सारे बल्क में इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने ये लिए, वहाँ 20 रुपीज़ में थे, और ये देखिए थोड़ा सा लाते समय थोड़ा सा देखिए डैमेज हो गया, हालाँकि ये देखिए इस तरह डेंथस था, पिटूनिया था, सब 20 रुपये। अगर आप देखिए ज़्यादा लेते हैं तो फिर रेट वाइज थोड़ा सा और भी फ़र्क हो जाता है। हालाँकि मुझे ज़्यादा नहीं, हालाँकि मेरा मन कर रहा था मुझे लेने थे, और एक ही पौधा ख़रीदा मैंने, क्योंकि थोड़ा सा लाने में देखिए जब कार वगैरह में भी होता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं देहरादून गई तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की, तो देखिए ये सारी मेरी शॉपिंग थी। फ्रूट प्लांट्स तो लेने ही थे, हालांकि वहाँ जामुन भी थे, अंजीर थे, सभी प्लांट्स मेरे पास थे, बट मैं लेमन भी नहीं लेने वाली थी, और ये लीची का प्लांट बस मुझे लेना था, एक सिर्फ लीची का पौधा। और लेकिन वहाँ पे लेमन मुझे इतना पसंद आया ना, जब मैंने इसे टच करके देखा तो लगा कि, और इतने छोटे से लेमन में ही ना काफ़ी जूस है, मैंने इसे यूज़ किया है। तो ये एक छोटी सी शॉपिंग मैंने देहरादून से की है। आप भी कभी इस तरीके से विज़िट करते हैं तो आप जाइए ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शॉपिंग करें या जो भी, आप तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जाइए ज़रूर, बहुत खूबसूरत लगता है वाकई देहरादून में। ही कहूँगी बहुत, नेचर वाकई बहुत खूबसूरत है, पानी एकदम क्लीन, सारा कुछ बहुत अच्छा है। ज़रूर जाइए आप लोग भी घूमने के लिए, और लीची ज़रूर लेके आइए देहरादून से, ले अगर आप जा रहे हैं तो। वाकई बहुत ही अच्छा पौधा है देहरादून। तो आप, ये मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।